हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल एम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आज आपको पता है, आज मैं आपके सामने HCF लेके आया हूँ, एक नया टॉपिक HCF। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि HCF के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कैसे बहुत कम समय में आप किसी भी नंबर का LCM निकाल HCF निकाल सकते हैं, सॉरी, किसी भी नंबर का, ठीक है। तो अगर आप न्यू आज पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को प्रियल मैम रीजनिंग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ किसी भी नंबर का HCF कैसे निकालते हैं, मैं मात्र 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट्स में पूरा वीडियो होगा, तो 5 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे कि HCF किसी भी नंबर का हम कैसे कम समय में निकाल सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए HCF का मतलब क्या होता है। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा दोनों में कॉमन भी हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी उनमें कॉमन भी हो और हाइएस्ट भी हो, समझे। हाइएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, ऐसा हमें फैक्टर देखना होता है। जैसे कि नंबर लिया मैंने, तो इसको हम GCD भी बोलते हैं, बात ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे GCD निकालें तो मतलब वही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, बात बराबर है, चाहे हम HCF बोलते हैं या फिर GCD बोलते हैं। नंबर लिया हमने 3240, इसके टुकड़े किए, 8 4 जो 32, 8 5 जो 40। अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो, 8 यहाँ पे भी है 8 यहाँ पे भी है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया आपका, HCF कितना हो गया आपका, 8 आपका HCF, समझे। ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, टुकड़े करने के बाद कॉमन में, ऐसे कि एक और चीज़ देख देती हूँ, इसको कह सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5, मतलब 3 बार 2 3 बार 2, ये चीज़ कॉमन है, बात ये समझिएगा। 2 का मत देखिएगा कितना कॉमन है, 8 कॉमन है। तो हमें टुकड़े प्राइम नंबर्स में करने होते हैं, वैसे तो ऐसा को प्राइम नंबर इसमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे कि इस 2 में क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है। इस 2 और 5 में क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है। तो ऐसे हम छोटे छोटे वाले हम टुकड़े करने होते हैं, जैसे कि दोनों में कुछ कॉमन ना निकले। तो जो चीज़ कॉमन आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, HCF बोल देते हैं, ठीक है। अब कब तक हम, अब देखो, चलो ये तो आसान था, हमने फैक्टर निकाल लिया। अब ये देखो, नंबर ये रहा, नंबर ये रहा हमारे पास। अब इसका हमें HCF निकालना है, कैसे निकालेंगे। अगर फैक्टर्स करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या मतलब वो शॉर्ट ट्रिक का कुछ मतलब वो नहीं हुआ। तो HCF निकालने का दूसरा तरीका भी होता है आपके पास, क्या, जब भी आपको जो नंबर दे रखे होते हैं उन नंबर का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालिए कितना हो जाएगा, 85। डिफरेंस कितना हो गया, 85। पर अब देखो, अब आप बोलोगे कि 85 आपका HCF है, 85 HCF है, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो HCF निकला है, देखो ऐसे 8 HCF निकला, 8 32 से भी डिवाइड हो रहा है, 32 भी डिवाइड को भी डिवाइड कर रहा है और 8 40 को भी डिवाइड कर रहा है। तो जैसे ही HCF हमारा 85 आया, तो आपको लगता है 85 इसको या इसको डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि पीछे 5 तो है ही नहीं, डिवाइड कैसे करेगा। ऐसा नंबर पीछे 5 है तो 5 होना चाहिए तभी डिवाइड कर पाएगा, 5 या 0 तो डिवाइड तो कर पाएगा नहीं, मतलब ये HCF नहीं है। तो इसका और फैक्टर करो, 85 का मतलब क्या होगा, 17 × 5, 85 हो गया। तो HCF क्या होगा आपका, 17 HCF होगा, क्योंकि 17 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो हमेशा ये नहीं सोचना, बहुत बड़ी गलत फहमी होती है बहुत बच्चों के मन में, कि वो माइनस कर देते हैं, जो माइनस करके आया उसको HCF मान लेते हैं, नहीं होता वो HCF। ज़रूरी नहीं है हर केस में वही HCF हो। इसको हमने माइनस किया, क्या आ रहा है आपका, 85 आ रहा है, पर 85 HCF नहीं है। क्यों, क्योंकि 85 ना तो इसको डिवाइड करेगा ना ही इसको डिवाइड करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पीछे 5 तो है ही नहीं। आपको पता है कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होने के लिए पीछे 5 होना ज़रूरी है, तभी डिवाइड हो पाता है। तो इसके हमने और फैक्टर किया, क्या हुआ, 17 5 जो 85 होता है, तो 5 तो होगा ही नहीं फैक्टर की, वापस वही कंडीशन आ गई, तो क्या हो जाएगा, 17 इसका फैक्टर। डिवाइड देख भी लो, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो ये 17 इसका HCF सही आंसर है। इस नंबर में देखो 32 और 40 में देखना, 32 40 में कितना आया, डिफरेंस आपका 8 आया, और 8 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये इसका HCF हो गया, इसलिए इसका HCF हो गया। एक और नंबर देखिए, ये रहा आपका 10 और 40, माइनस में कितना आएगा, 10 आ रहा है, तो 10 इसका HCF है। क्यों है, क्योंकि 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप माइनस करके जो आंसर निकाल रहे हैं उसको चेक करना है आपको, क्या वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है या नहीं करता। एक और सवाल देखते हैं, ये तो था छोटी छोटी वैल्यूज, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं थी। अगर आपके सामने ज़्यादा बड़ी वैल्यूज है तो क्या करोगे, ज़्यादा नंबर आ गया, ये यार आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, आपका कितना है, 3 डिजिट्स का आपके पास ये नंबर है, निकालिए कैसे निकालोगे आप।
सेम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे क्या, माइनस वाला। उसके अलावा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप कोशिश कीजिए माइनस वाले से ही आप इसको निकाले नंबर को, ट्राई कीजिए आप कितना आएगा। इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा आपके पास, 210 डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, आप कोई भी दो वैल्यूज दीजिए जिनके बीच का डिफरेंस कम आए। देखो यहाँ पे डिफरेंस जाएगा कम का आ रहा है, यहाँ निकालोगे तो जो डिफरेंस आएगा 1000 में आएगा, यहाँ भी 1000 में आएगा, इसलिए मैं डिफरेंस इसका लिया, 210 डिफरेंस आ रहा है। अब इसको क्या मैं एचसीएफ बोल सकती हूँ, नहीं, पीछे जीरो है ना, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही डिवाइड नहीं होगा इस नंबर, चाहे ये वाले हो जाए पर ये डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये तो है ही नहीं। इसको और फैक्टर किया, 21 × 10, 10 तो होगा ही नहीं, 10 तो होगा ही नहीं, ना तो इसको ना इसको ना इसको, बचा क्या 21, 21 डिवाइड करके देखिए, इन सब से डिवाइड हो जाएगा 21, तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 आपका HCF हो गया, HCF हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्या हो जाएगा, 21 आपका HCF हो जाएगा, है ना। अब अगर आपको कोई भी नंबर निकालना होता है तो आप कैसे करोगे, इसी टाइप से करना है आपको, समझ में आया, छोटा नंबर है तो आप फैक्टर से निकाल सकते हो, अगर छोटा नंबर है तो फैक्टर से निकाल सकते हैं, पर अगर नंबर बड़ा आ जाएगा तो आपको डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस में चेक करना है कि आपका वो नंबर है डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि आप 85 ऐसी गलती ना कर दे कि 85 को माइनस के आ रहा है पर वो आपका एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ क्या है, इसका भी फैक्टर लेना पड़ेगा, वो आपका एचसीएफ आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, एचसीएफ किसी भी नंबर का बड़े से बड़े वैल्यू छोटी छोटी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, तो टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय।